press the bell icon for all the updates. अपनी लाइफ में अगर आप लोगों को बताऊं तो मैं बायोलॉजिकल मतलब स्टूडेंट रही हूं और अच्छा है आज तक मैंने अपनी लाइफ के अंदर बड़ा ग्लैमर देखा है, आपने मुझे बड़े अलग अवतारों में देखा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना वैसे इन लोगों से मेरी बहुत अच्छी जान पहचान है डॉक्टर साहब से, नेवरा से, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है कुछ अच्छा काम भी कर लिया जाए अपनी ज़िंदगी में। और ये आर के एड्स रिसर्च सेंटर है, इसके अंदर कैंप हमेशा से किए गए हैं और अभी भी मैंने मतलब मुझे बताया गया कि बहुत बड़ा कैंप लगा रहे हैं जिसमें बहुत सारे लोगों को बुलाया गया, उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा विद ऑपरेशंस एंड ऑल, बहुत सारे डॉक्टर्स बुलाए गए हैं, तो अच्छी बात है, करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है और मैं जुड़ी हूँ तो और करना चाहिए। कब से जुड़ी हैं आप इस कैंपेन से, कब आपसे बात हुई? मुझसे 10-1 दिन पहले शायद बातचीत हुई थी लोगों की और मैं अपने काम में बिजी थी और शायद फिनाले के टाइम हुई थी मेरे से बात, तो उसके बाद मैंने कहा ठीक है मैं आऊँगी, ज़रूर करूँगी। हेल्थ के बारे में आपका क्या ख्याल है, लोगों को किस तरह से फिट रहना चाहिए? यार मैं क्या डिस्क्राइब करूँ, मैं खुद ही फिट नहीं रह पा रही, कुछ खा नहीं पा रही हूँ, नहीं सिर्फ काम में बिजी हूँ, तो मेरे हिसाब से हेल्थ पे तो ध्यान देना चाहिए अपने, जूस है, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ सॉरी तो वो खाना चाहिए, अपना ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। इस दौरान आप भी वहाँ दिखोगे? डेफिनेटली मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई हूँ और मैं 11 तारीख को ज़रूर आऊँगी, बिल्कुल आऊँगी। आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में इस पर आप काम कर रहे हैं? आने वाले प्रोजेक्ट्स मेरे जो भी रहेंगे, मैंने आपको अभी भी बताया कि मैं साउथ में काम करूँगी, दूसरी चीज़ ये है कि मैं कलर्स के साथ काम करूँगी बिकॉज मैं उनकी मेन आर्टिस्ट हूँ, तो बिल्कुल ज़रूर आपको उनके चाहे रियलिटी शोज़ हों या फिर अभी मेरा एक शो आने वाला है निवेदिता बासु, उसका मतलब आप लोगों ने देखा BCL है ना जो उसका, वो आने वाला है, तो करेंगे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आएंगी। अभी बीच में काफ़ी अफवाह उड़ रही थी विकास और शिल्पा की शादी होने वाली, तो कितना सच है इसमें? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, विकास और शिल्पा कभी शादी नहीं करेंगे, शिल्पा ने मुझे पहले भी बोला है कि वो कभी शादी ही नहीं करेंगी शिल्पा, और विकास क्यों करेंगे उनसे शादी, उन लोगों का ऐसा ट्यूनिंग था ही नहीं, वो तो एक हंसी मजाक था, लेकिन शिल्पा ने मुझे साफ बोला था कि वो कभी शादी नहीं करेंगे। रिसेंट आप मुझे बॉलीवुड मूवी देखी जो आपको काफ़ी अच्छा लगा, अभी पद्मावती को थोड़े मैंने टाइगर जिंदा देखी थी सलमान की, बहुत अच्छी लग रहा था। मैं पद्मावत देखना चाहती थी और अभी तक मुझे वक्त नहीं मिला, लेकिन मैंने सुना है बहुत अच्छी मूवी और मैं ज़रूर देखूंगी। ओपन लेटर सी, ये सब बेवकूफ़ी है, मैं इन सब चीज़ों पे नहीं कमेंट करती क्योंकि फिल्म होती है, रियल स्टोरी अलग होती है, फिल्म अलग चीज़ होती है, उसमें बहुत सी चीज़ें ऐड की जाती हैं, देखिए जैसी पब्लिक डिमांड होती है वैसी चीज़ बनाई जाती है, पब्लिक देखना छोड़ दे ऐसी चीज़ें, वो बनाना छोड़ देंगे ऐसी चीज़ें। बिल्कुल अक्षय आए थे फिनाले में हम लोगों के साथ थे, उन्होंने प्रमोशन भी किया था, बिल्कुल बहुत अच्छी है और ऐसी चीज़ों के लिए मेरे हिसाब से कभी भी इन सब चीज़ों के लिए शर्माना नहीं चाहिए, और सब मैं माँ बनूंगी तो मैं अपने बच्चों को सारी सेक्स सारी एजुकेशन दूंगी, सब बताऊंगी अपने बच्चों को कि क्या होता है, क्योंकि ये गंदी चीज़ नहीं होती है, आपको अपने बच्चों को अवेयर रखना ज़रूरी है हर चीज़ के लिए, लड़की से लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों ये थोड़ी मेंटली जो है मेंटल जो है वो इंसान का हटाना चाहिए कि गंदी चीज़ है, ये हमेशा अच्छी चीज़ होती है और ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है, तो सबको बताना भी चाहिए और खुल के इसको दिखाना चाहिए। अक्षय कुमार ने सभी को एक चैलेंज दिया था सनी देओल बेड हाथ में लेके फोटो, मैं भी करने वाली हूँ, मैं करने वाली हूँ पोस्ट, आज रात में ही पोस्ट करने वाली हूँ। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ मुझे वैलेंटाइन इन सबसे कभी कोई, मेरे बॉयफ्रेंड रहे मैं बिल्कुल भी मुझे मज़ा नहीं आता इन सब चीज़ों में, मेरे अगर मूड है तो रोज़ वो है वैलेंटाइन है, और अगर मूड नहीं है तो कुछ नहीं है, मेरा मूड नहीं रहता, मैं सब चीज़ों बिलीव आपकी बात इतनी तेजवानी सुनी काफ़ी क्लियर। हाँ अभी हम मिलने वाले 8 बजे करीब हम लोग मिलने वाले। डेफिनेटली अभी इंशाल्लाह मेरे पास मैंने काम किया इंडस्ट्री में तो ज़रूर मैं अपना खुद का फाउंडेशन स्टार्ट करूँगी। हाँ हितेन कैप्टन है मेरे, वो मेरे कैप्टन है, लेकिन सही मायनों में टीवी पे मैं उसकी कैप्टन देखूँ।
विकास ने अभी तक कुछ पैसा वैसा नहीं दिया है। विकास तुमने नहीं दिया है और जल्दी से दे दो, उसके अकाउंट में आने तो वो देगा जरूर, मुझे मालूम है। मैं जब वहाँ पर गई थी टास्क के लिए, तो मैंने विकास को जो विन करवाया था, शायद आप लोगों को याद होगा, मेरा जो री एंट्री था, तो विकास को मैंने 6 लाख रुपए जितवाया था, तो पूरे 6 मुझे मिलना चाहिए, तो उसमें ज्योति का कोई हिस्सा नहीं होना चाहिए वैसे, लेकिन उसने कल दिया तो ठीक है दे दो, और वो मेरे पैसे हैं तो ऑब्वियसली मुझे देना चाहिए उसको।